सत श्री अकाल जी, मैं संदेश अलख शर्मा जगबाणी टीवी से तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत है। विले हुण तक दे हम खबरां दा खबरां दे विस्तार विच जाण तों पहला एक नज़र सुरखियां ते। कांग्रेसी वर्कर दे रहे कांग्रेस दे मुख दफ्तर अगे धरना। कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा कैप्टन गलत पार्टी विच सन, उन्हां ने कांग्रेस छड्ड दित्ती, हुण दूरियां खत्म। बीजेपी आगू तरन चुग दा सिद्धू ते निशाना, पुछया पाकिस्तान विच होई बेअदबी ते चुप्पी क्यों। ते हुण खबरां विस्तार नाल, खबरां दी शुरुआत दे विच सब तो पहलां गल करदे आं पंजाब कांग्रेस दी, तां तुहानूं दस दईए कि कांग्रेस दे दफ्तर अगे धरना प्रदर्शन होया ते इह धरना प्रदर्शन किसे होर ने नहीं बल्कि कांग्रेसी वर्करां ने ही कीता। इस दे पिछे दी वजह की है, देखदे आं इस रिपोर्ट विच। पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है तो उन्हां दी सरकार खिलाफ कोई होर नहीं बल्कि उन्हां दे अपने वर्कर ही, कांग्रेस वर्कर ही चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस के मुख्य दफ्तर के बाहर धरना लाई बैठे हैं। तुसीं इह तस्वीर देख सकते हो, ये जिन्हां वल्लों ये धरना लाया गया है ये कांग्रेस वर्कर हैं, उन्हां वल्लों धरना लाया गया है। तो यह धरना पंजाब कांग्रेस भवन जिहड़ा चंडीगढ़ का मुख दफ्तर है उसके बिल्कुल बाहर लाया गया, यानी कि ये किसी विरोधियों वालों धरना नहीं लाया गया है, किसी परेशान आम लोगों वालों धरना नहीं लाया गया, बल्कि ये कांग्रेस वर्कर हैं उन्होंने वालों ही ये धरना ला दिता गया है। क्यों ये धरना लाया गया है, कि इन्हां दी परेशानी हैं, गलबात करते हैं। तुहाडा नाम की, तुसीं कित्थों आए जी? मैं राजकुमार जोशी जी, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाले तो हाँ, जिन्होंने चार महीने बढ़ाया जेल दे विच जेल कटी, जिसे नाल सतनाम सिंह बाजवा कादियां और ज्ञानी जैत सिंह हंसराज शर्मा असी सारे जेल दे विच सी, और जेल दे विच रह के सानू 78 च फड़िया, 80 च असी रिहा होए, रिहा तो बाद इंदिरा गांधी रिहा हुई तो असं भी रिहा हो गए, और इंदिरा गांधी इन्ना प्राइम मिनिस्टर चुनिया, प्राइम मिनिस्टर चुन के बाद अमरिंदर सिंह अकाली सी, ये अकालिया च निकल के आया साढ़े ये, तो जरा बा अपना हैगा बादल, मेरे बादल तो दोवें इकट्ठे सी, ये जरा कि बादल के नाल सी, बादल की सलाह के नाल इन्होंने रल के भी कांग्रेस जी है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई है, इनू को मारना चारा सोचिए, और इन्होंने रल के प्राइम मिनिस्टर ने मरवा दिता। साढ़े जरा मारन वाला सी वो बटाले का सी, जरा कि सुखी का गुआढ़ी सी, इन्होंने भर्ती कराया सी सुखी उड़ा ने, सुखी के बाप ने, वो भी कांग्रेस सी साढ़े नाल, और उन्होंने भर्ती करवाने बाद इन्होंने सानू आ हूँ तो दिखाइए सानू चिट्ठिया भेजिया तुम मार देना। तो ये भी जो जरा अमरिंदर सिंह है उन्होंने चिट्ठिया उन्होंने भेजिया वो मुंडिया, और उन्होंने क्या वो माँ ने कहा जाके हरिमंदर साहब जाके क्या वो साढ़े परमेर जरा कि मुंडिया जो मार दे हो, वो असी भर्ती कराया मुंडा साडा गुआढ़ी आ, तुसी उहदे नाल गलबात करो। वो इंदिरा गांधी का राय चाहिंदा, वो जो इंदिरा गांधी बाहर आएगी उन्हें शूटिंग करवा देवे, और उन्होंने इस तरह करवाया। उन्होंने गलबात करने बाद वो अमरिंदर सिंह ने उन्हें जो इंदिरा गांधी बाहर आई और उन्होंने उन्होंने शूटिंग कर दी। तुसी थोड़ा जिहा ब्रीफ च दसो, तुसी अज इत्थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही धरना दे जांदे हो, तुसी कांग्रेस के वर्कर हो, क्यों दे क्यों रहे हो, की कारण की? वो ये है भी इन्होंने साडे नाल वादा किया सी भी तुसी जेलां कट के आए हो, तुहाडे बच्चों अज तक ना किसी नौकरी ना सानू कोई मकान
ना साड़ी कोई दुकान, ये आप करोड़पति बन गए हैं, इन्होंने बहुत लुटिया। असी चाहते हाँ जिन्हें कई दी इन्हों कोठीगारी धरना देना दे के और इस पंजाब हिंदुस्तान की पंजाब इन्होंने लुट के और ये करोड़पति बन गए कि असी ना साडा को मकान ना साड़ी दुकान प्रबंध करो जिन्होंने जेलां कटियां अज आंदा सी मैं क्या अज का जिहड़ा मुख्यमंत्री आंदा सी असी लेपा पोची करन के बाद असी मुख्यमंत्री बने हाँ असी पिंडा चो मैं सरपंच थी सरपंच बनने बाद असी जिन्ने कैदी लिया हाँ मैं अपने पिंड के कैदी जड़े आ वो ऐसे 25 लिया सी 25 के बाद कुछ तो उग्रवादी मार दिते आ कुछ तो असि जो जीते हाँ आ सारे को फिलहाल हाँ जी कुल कि ऐसे कुल तो पता नहीं किन्ने सारिया जेलां पंजाब भरती और घबरा गया। सतनाम सिंह बाजवा इंचार्ज थी उन्हें जेलां भरती जो सतनाम सिंह कादियां वाला ना हों जे कांग्रेस का राज ना हों इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ना बनती क्योंकि जेल च रेंदे असी जो कामयाब होए बादल घबरा गया। बादल घबराने के बाद उन्हें सानू रिहा करता रिहा तो बाद सानू आज असी छड़कां दे तुरे फिरदे आं कुछ होर लोकां नाल गल करदे तुहाडे की नाम है कोई मेरा नाम जी मनजीत सिंह बाजवा जी। वीर जी अज असी सारे इत्थे इस करके इकट्ठे होए हैं साढ़े जिहड़े बजुर्ग ने उन्होंने जेलां कट्टियां 1978 तो लैके 79 तक उन्होंने जेलां कट्टियां 3 महीने 11 दिन जेल च रहे बहुत मशक्कत झली। इस दे उपरांत भी साढ़े जिन्ने बेचारे वीर भरा ने किसी नूं अज तक कांग्रेस पार्टी ने बन दा सम्मान ही नहीं दिता। इस करके असीं अज इत्थे इकट्ठे होए आ साढ़े राजकुमार जोशी जी ने सुविंदर सिंह लखवाल जी ने संजय कुमार शर्मा जी ने ते साढ़े जुर्फ खान जी ने ते साढ़े होर भी वीर कई लोग इतने इकट्ठे हुए ने। तुहाडा की नाम है? मेरा नाम जी सुविंदर सिंह। की कहना है हुण जिस तरीके नाल मेरा नाम सुविंदर सिंह लखवाल हाँ मैं सोशल वेलफेयर फ्रंट है साडा उदो मैं प्रधान हाँ मैं एक रिटायर्ड अफसर हाँ बड़ा सीनियर अफसर रिटायर्ड हाँ मैं गल करांगा तत्थां दे आधार ते जो जिथे मर्जी है भावें कोई कोर्ट कचहरी जी मैनूं खड़ा करके कोई पुछ रहे मेरे को तत्थ लैके आया इन्हां सारे ने मंगा वास्ते ना मैं एक इन्हां नूं चिट्ठी लिखी महकमा सेहत वा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाल मुलाकात की सी इस नूं लैके कई तरह दीआं क्यासराईआं लगाईआं जा रहीआं सी। बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वी सामने आया सी ते हुण बयान मनोहर लाल खट्टर ने भी दिता है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बारे विच बयान दिता है उन्होंने कहा है कि पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत पार्टी दे विच सन उन्होंने कांग्रेस छड्ड दित्ती है ते हुण दूरियां खत्म हो रहीआं। सीएम खट्टर ने कहा है कि पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवीं पार्टी बनाई है इस लई ओह मिलण आए सन एक सद्भावना मीट कांग्रेस छड दिती हुण सारियां तूरियां खत्म हो रही ने। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 3 खेतीबाड़ी कानून वापस लै ले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MSP के कानून बनाने एक कमेटी बनाने की हरियाणा सरकार ने किसान अंदोलन जान गवाने वाले किसान खिलाफ दर्ज केसों का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार बयानबाजी दी गई पर हुण तरुण चुग ने निशाना साध दिता नवजोत सिंह सिद्धू ते। दरअसल उन्होंने मुद्दा चुकया पाकिस्तान दे विच हुई बेअदबी का इसे मुद्दे नूं चुकदे हुए उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू नूं ही सवाल कर दिता भी होई है किवें देखदे हो तुसीं ऐसा कि बड़ी दुखद है और मन नूं झंझोरन वाली है। गुरु साहब की बेअदबी करन वाले लोगों नूं कठोर सजा मिलनी चाहिए है और पाकिस्तान सरकार हजे तक चुप है कोई कार्रवाई नहीं हुई कोई फड़े नहीं गए उन्हां ते कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए है। और मेरी बेनती है
इमरान खान साहब दे पाकिस्तान दे बहुत खास पंजाब दे साडे पीपीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू जी अगे कि सिद्धू साहब ये तुहाडे यार इमरान खान दे पाकिस्तान च हो रहा और कार्रवाई कोई नहीं हो रही उन्हां दी शह नाल हो रहा कभी गुरुद्वारे दे अंदर जाके बाहर हो रहे प्रदर्शन होंदे है भारत सरकार नूं हस्तक्षेप करना परिवारां दी बच्चियां नूं खराब करन दी कोशिश हुंदी सरकार नूं हस्तक्षेप करना पैंदा भारत सरकार मोदी साहब नूं हस्तक्षेप करना हुण एड्डी वड्डी घटना हो गई दो वर्ड निंदा दे सिद्धू साहब दे मूंह चों निकले सिद्धू साहब जराना पाल लईए पालो लेकिन देश दी एकता अखंडता उत्थे रहने वाले भाईचारे की एकता अखंडता दाते ना लाइए उत्थे रहने वाले हर अल्पसंख्यक की रक्षा वास्ते सीए कानून असी लिया मेरी कठोर निंदा करना इस घटना की और निंदा करना वो लोग जड़े इस शामिल ने उन्होंने कठोर कार्रवाई होनी चाहिए है और उत्थे बैठे हिंदू सिख भाईचारे के जोड़े लोग ने उन्हों की सुरक्षा होनी चाहिए है उन्होंने उन्होंने जड़िया उ प्रॉपर्टीज़ ने उन्होंने परिवार ने साडे गुरुद्वारे ने मंदिर ने उन्होंने भी सुरक्षा होनी चाहिए विदेश मंत्रालय ने भी गलबात कर रहे इस मामले में लैके हाँ बिल्कुल मैं इस बख्शे लैके भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ध्यान भी लिया उन्होंने भी तगड़ा हुंगारा भरया वो भी गल सरकारी लैवल पर करेंगे लेकिन मैं दुख है कि हर छोटी जी गल बोलने वाली कांग्रेस हर छोटी जी गल रिएक्ट करने वाले इमरान खान साहब के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस चुप क्यों है अकाली दल चुप क्यों किसान सरकार दवे और उस बाद ही असी उठांगे ऐसा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया तिने बिल वापस लिते गुरुपुरब वाले दिन लिते वादा किया सी पहले दिन ही वापस लिते विश्वास रखना चाहिए और MSP तुहाडी और मेरी उम्र 60 के दशक तो MSP चलती आ रही 60 के दशक तो लैके अज तक MSP गई और अगे रहेगी एरे बारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि MSP थी है वह रहेगी क्योंकि कुछ लोग उलझाना चाह रहे मैं उन्होंने बेनती कराँगा उलझाओ ना सुलझाओ हूँ देश के बेटिया का काम खेतों जाके किसानी करना खेती करना उन्होंने उलझाओ ना देश की तरक्की रल के चलीए अगे वधी और देश नूं अगे गैंगस्टर सुखा कालो ते एक फिल्म बनी पर उसकी रिलीज़ नूं रोक दिता गया ते हुण तुहानूं दस दईए कि इसकी रिलीज़ नूं मंजूरी मिल गई है पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फिल्म दे रिलीज़ होण नूं मंजूरी दे दित्ती है हालांकि पंजाब सरकार ने इस ते रोक लगाई सी गैंगस्टर सुखा कालो दी जिंदगी ते बनी फिल्म शूट दे टेलीकास्ट ते रोक लगाउण दे पंजाब सरकार दे नोटिफिकेशन ते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दित्ती है हुण इह फिल्म पंजाब दे सिनेमा घरां विच प्रसारित हो सकेगी तुहानूं दस दईए कि फिल्म नूं सेंसर बोर्ड वल्लों पहलां ही मंजूरी मिल चुकी पर पंजाब सरकार का मनना सी कि फिल्म दे टेलीकास्ट कारण सूबे विच कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है सरकार का कहना सी कि फिल्म गैंगस्टर कल्चर नूं उत्साहित करती है जदों कि निर्माता निर्देशक ने दलील दित्ती कि फिल्म बनाउण दा इक्को इक मकसद लोकां नूं इह दसना है कि माड़े कम्मां दे माड़े नतीजे निकलदे ने दस्सदी कि गैंगस्टर विकी गोंटर अते उहनां दे साथियां ने काला नूं 21 जनवरी 2015 नूं गोलियां मार के उस दा कतल कर दित्ता सी सुखा कालो नूं जलंधर विच इक केस दी सुनवाई तों बाद पटियाला जेल विच ले जाया जा रहा सी कालो उपर कतल अगवा ते फिरौती वर्गे कई मामले चल रहे सन बाद विच पुलिस ने एक मुकाबले विच विकी गोंटर नूं भी मार दिता सी विकी गोंटर ते 7 लाख रुपए दा इनाम सी उधर एक नौजवान वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने चंडीगढ़ नगर निगम से ही सवाल खड़े किए ने उन्हों का कहना है कि चंडीगढ़ नगर निगम वालों एक दागी कंपनी को टेंडर दे दिता गया है तो उसकी जांच हैगी जी विजिलेंस को चल रही है चंडीगढ़ नगर निगम वालों एक दागी कंपनी नूं प्रमोट किए जाने का मामला सामने आया है जिसनों लैके एक नौजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया है तो कहा है कि नगर निगम ने एक अजिही कंपनी नूं
करोड़ा रुपए का टेंडर दे दिता, जिस खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रही है। नौजवान ने पत्रकारा नूं दस्या कि नगर निगम ने 14 जनवरी 2019 नूं शहर दे हादसों वाले खेतर नूं चिन्हित करके उत्थे लाइटां लगाउण दा टेंडर जारी किया सी, जिस लई बेस रेट 12,25,00,000 रुपए रखा गया सी। अते निजमां तों उल्ट ते मिली भुगत दे नाल इस टेंडर दे विच इको ही कंपनी वल्लों टेंडर भरिया गया ते निगम दे अधिकारियों ने निजमां नूं ताक उत्ते रख के 27 फरवरी नूं टेंडर खोल भी दिता। चंडीगढ़ एमसी ने एक टेंडर फ्लोट करा था 14 जनवरी 2019 को, जो कि कंसर्निंग डार्क स्पॉट्स था, जिसे आजकल आप पता ही है सबको, पब्लिक में काफ़ी डार्क स्पॉट्स के बारे में इश्यूज बना हुआ है, तो इसको इल्यूमिनेट करने के लिए टेंडर फ्लोट करा गया था। टेंडर का नाम अगर आपको स्पेसिफिक जानना है तो इसका था जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम फॉर डार्क स्पॉट्स मेंटेन्ड बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़, और इसकी जो टेंडर की कॉस्ट थी जी वो 12,24,00,000 अप्रॉक्सीमेटली थी। ठीक है जी, इसमें इसको टाइम कंप्लीशन पीरियड था जी इसका 6 मंथ्स, मतलब कि जो भी बिडर इसको काम को लेता है या लॉट जो एमसी करती है उसको 6 मंथ्स के अंदर इसको काम को ख़त्म करना था। और बेसिक सर इसके टेंडर फ्लोट करने का पर्पस एमसी ने ये रखा था कि जो इंक्रीजिंग क्राइम थे और एक्सीडेंट्स रात को होते थे उसको रिड्यूस करा जाए, और रेजिडेंट्स की वेलफेयर के लिए एक टेंडर फ्लोट करा गया था। अब इसमें सर प्रॉब्लम क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो इस टेंडर डॉक्यूमेंट्स में थी, क्लॉज नंबर एट में ये था कि एक स्पेसिफिक एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट हर पार्टिसिपेंट को इस टेंडर कोट करने के टाइम पे देना था। उसमें डिक्लेयर ये करना था हर पार्टिसिपेंट को कि उनके ऊपर कोई FIR, कोई कंप्लेंट और कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर ये तीनों चीज़ें पेंडिंग है तो वो इनएलिजिबल होता है इस टेंडर को कोट करने के लिए या इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हुआ क्या जी, एक चंडीगढ़ बेस्ड फर्म है सानी इलेक्ट्रिकल्स, हाउस नंबर इनका रजिस्टर्ड है 3195 सेक्टर 28D चंडीगढ़। इन्होंने जी ये टेंडर में पार्टिसिपेट करा और ये सिंगल टेंडर इन्होंने कोट करा, मतलब कि एमसी के पास जो टेंडर आया वो ओनली एक ही पर्टिकुलर फर्म से आया। इनकी जी टेक्निकल बिड 27 फरवरी 2019 को एमसी ने ओपन करी, और इनकी जो फाइनेंशियल बिड थी उसको ओपन करा गया जी 2 मार्च 2019 को, और मार्च के महीने में ही इसी फर्म को सिंगल टेंडर को ही इन्होंने अलॉट कर दिया। अब जब इनको अलॉट करा तो एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन जी इस फर्म ने एक एफिडेविट, स्पेसिफिक एफिडेविट दिया कि इनके ऊपर कोई भी तरह की कंप्लेंट, कोई भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या FIR पेंडिंग नहीं थी, जबकि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इनके खिलाफ इंक्वायरी नंबर दर्ज कर रखी है। उसका इंक्वायरी नंबर है जी 133/2017, और ये इंक्वायरी रजिस्टर कब करी गई थी जी, इंक्वायरी का मैं कंप्लेंट ही कह सकता हूँ 15 नवंबर 2017। इस मामले बारे जो चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा के नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर निगम किसी भी लैवल से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा, तो जे इस तरह की कोई शिकायत व्यक्ति वालों दी गई है तो वह शिकायत नगर निगम के कोल नहीं पहुंची होगी, तो इस मामले की जांच किए जाने की उन्होंने गल कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस लैके कमिश्नर भी वो मिलने और ये तय करे कि कंपनी खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए एक कोई चिट्ठी कॉरपोरेशन में आई थी और कंप्लेंट किसी ने डाली थी कि 44D से गुरशीत सिंह है, जिन्होंने ये कहा था कि 2019 में एक डार्क स्पॉट्स के लिए जो टेंडर दिया गया था उसमें जो कंपनी जो L1 आई है वो सानी इलेक्ट्रिकल करके या कोई कंपनी है, तो उसने जो है वो जो एफिडेविट वगैरह दिया वो फेक सबमिट करे और उसने वो टेंडर फेक एफिडेविट के आधार पर वो लिया है, तो वो कंप्लेंट उन्होंने दी है। बट अब वो विजिलेंस के पास या CBI के पास उन्होंने कंप्लेंट दी है, कॉरपोरेशन के पास भी बट ऑबियस आई होगी, आई जो भी उसका लॉ के हिसाब से जो भी एक्शन होगा ज़रूर होना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज़ है। और मैं भी अपनी तरफ से कमिश्नर मैडम से भी बात करूँगा कि अगर यहाँ पर कंप्लेंट आई है हम भी उसमें देखेंगे, अगर उसने ऐसा करा है तो जो बनती कार्रवाई हुई ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन को हमने आपने इस साल में देखा होगा कि हमने जो एक्शन लिए हैं बिल्कुल कोई उसमें हमने किसी की भाई बंदी की बात या कोई नहीं, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम किया और जिसके अगेंस्ट जो एक्शन बनता था वो हमने किया है, अगर इसका भी कुछ ऐसे होगा तो जरूर एक्शन लेंगे। जगबाणी TV ले चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट।
उधर अध्यापकों वालों एक बार फिर तो प्रदर्शन किया गया। वो चंडीगढ़ के सैक्टर 25 के रैली ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन करते हुए सरकार विरुद्ध जम के नारेबाजी की, अपनिया मंगा भी रखिया। सरकार तो 7th UGC स्केल जोड़ा वो प्रवानगी चाहते हैं, तो नाल ही डीलिंकिंग जी की हुई बंद करनी चाहते हैं। तो सारे पीफैक्टो पंजाब यूनिवर्सिटिया गौरमेंट कॉलेज एडिड कॉलेजों के अध्यापक साथी हुए हैं, तो अब गिरफ्तारी देने वास्ते इतने पहुँचे हुए हैं। तो एक चन्नी सरकार के वास्ते ये जरा गिरफ्तारी आर का जरा सबूत देने कि चन्नी सरकार अपने आप को पढ़िया लिखा मुख्यमंत्री मानता आ, पर वो साडे पढ़े लिखे दे जायज हक ते जिहड़ियां जायज मंगा आ उन्हां नूं प्रवान नहीं कर रहा। इस करके साडे अज पंजाब भर तो जिन्ने भी गौरमेंट कॉलेज आ, एडिड कॉलेज आ, प्राइवेट कॉलेज आ, सारे दे अध्यापक साथी इत्थे विशाल रैली होई आ, ते हुण गिरफ्तारियां देण लई मजबूर होए। ये साडी जो पे कमीशन जो UGC दा नोटिफाइड नहीं कीता, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों नूं सारा स्केल देता। अज साडा टीचर दा रोस प्रदर्शन सी कि इलैक्शन आने वाले है, साडा ये जो जायज मंग है वो पूरी क्यों नहीं हो रही। टीचर बड़ा तैयार बैठे हैं, इस तो अगे भी कोई संघर्ष करना पेगा। अं तैयार हाँ, पंजाब सरकार के खिलाफ सू काम बहुत पहला करना चाहिए सी, पर अच तो यह शुरू हो चुका। पंजाब सरकार मोटाबाद 6 साल से जो पे कमीशन रुकी हुई है, सरकार ने सारी हदों को पार कर दी है। अब उनको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अब हम कोर्ट अरेस्ट तक देने के उसमें आ गए हैं, तो सरकार को माल लेना चाहिए। हम ये बता रहे हैं कि जो भी टीचर्स के डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही, इसलिए टीचर्स का जो नेक्स्ट स्टेप है वो पहले तो हमने रैली की है, उसके बाद हमने जो वो कोर्ट अरेस्ट किया है। किस तरह की डिमांड है आपकी? बहुत सारी डिमांड्स हैं, हमारा डीलिंकिंग कर दिया गया UGC के साथ, और हमारे जो है वो पे स्केल लागू नहीं हो रहे हैं, और टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो जुल्म तो नहीं कह सकते, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो कम से कम उनके साथ जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनकी PCCTU की जो डिमांड है कॉलेजेस के टीचर्स की, यूनिवर्सिटी की और बाकी सारे जत्थेबंदियों की, वो पूरी होनी चाहिए। और समय पर कमीशन सिफारिशें लागू हो गई ने, पर पंजाब वो मंदभागा राज है जो ज्यौदा गुरुआ के नाते, तो वड्डी बहुत ही करप्शन ले अपना मशहूर हो चुका है, उसने सानू अजे तक 7वां वेतन योग दी सिफारिशा लागू नहीं कीतिया। दूसरी वड्डी गल ये कुताही करन जा रहे हैं कि सानू UGC तो डीलिंग किया जा रहा है। UGC वो प्राइम बॉडी है जो हर कॉलेज विच हर यूनिवर्सिटी विच जितों सानू शोध ले रिसर्च ले एजुकेशन ले बहुत वड्डे फंड्स आउंदे ने, जे उस तो सानू डीलिंग कर दिता गया तां फिर पंजाब विच उचेरी सिक्ख्या बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत जो नहीं होती तहजीब की नीयत की खराबी है। इन्हें नीयत खराब है, इन्हें कोई नीति नहीं। पंजाब सरकार इस टाइम उचेरी सिक्ख्या का सब तो वध घाण करन विच लगी हुई है, इसलिए अज साडी ये स्टेट प्रोटेस्ट रैली है, कोर्ट अरेस्ट का प्रोग्राम है। असी 1 तरीक तो कल असी कंप्लीट एजुकेशन बंद का नारा देन जा रहे हैं। साढ़े नाल प्रिंसिपल एसोसिएशन आ गई है, मैनेजमेंट फेडरेशन भी साढ़े नाल जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने तैयार है, तो कल तो पूरे पंजाब विच कंप्लीट एजुकेशन पूर्ण सिक्ख्या बंद हो जाएगी। तो साढ़े साथी PAG तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिहड़े साढ़े पीफैक्टो के प्रधान ने हरमीत किंगरा जी, वो आमरण अनशन से बैठेंगे। चंडीगढ़ नूं सिटी ब्यूटीफुल यानी कि सोहना शहर कहा जाता है, पर इत्थे भी हुण गंदगी दे ढेर लगने शुरू हो गए हैं, तो हुण इस ते कारवाई भी हो रही है। दरअसल चंडीगढ़ दे विच 4 सोसाइटीज़ दे अगेंस्ट कारवाई की गई है, तो कारवाई भी स्वच्छता नूं लैके ही की गई है।
ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਨ ਕੰਪਲੀਐਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ CPCC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਨ ਕੰਪਲੀਐਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੁਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।